हाय फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज संग्राम सिंह। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंडिंग पार्ट तक जरूर देखना। हो सकता है ये वीडियो कुछ लोगों के लिए कम्प्लीटली लाइफ चेंजिंग हो। आज से करीबन एक साल पहले मैंने दो वीडियोज अपलोड किए थे, पहला इंटरव्यू इन सदरलैंड, दूसरा फर्स्ट डे इन कॉल सेंटर। ये वीडियोस पे आज तक व्यूज आ रहे हैं और ये नॉनस्टॉप चलने वाले वीडियोस हैं। लेकिन व्यूज के साथ साथ मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्या भाई बीपीओ इंडस्ट्री सही है, क्या मैं कॉल सेंटर ज्वाइन करना चाहिए, इसमें क्वेश्चंस क्या क्या पूछेंगे, हमें इंटरव्यू में क्या प्रिपरेशन करके जानी चाहिए। तो जितने भी सवाल होते हैं कॉल सेंटर ज्वाइन करने से रिलेटेड, उन सभी सवालों को मैंने 7 पार्ट में बांटा हुआ है और कोशिश करूंगा कि जितना हो सके उतने अच्छे से आप लोगों तक पहुंचा पाऊं, एक्सप्लेन कर पाऊं। और ये जो वीडियो है ये मैं सभी लोगों को ध्यान में रखकर बनाऊंगा, उन लोगों को भी जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है और जो ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन स्पेशली उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम कहीं पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जो कॉल सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं फर्स्ट टाइम एज अ फ्रेशर। अपने क्वेश्चन शुरू करने के पहले जो सबसे बड़ा सवाल सभी के दिल में आता है, क्या कॉल सेंटर ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या इसमें ग्रोथ है नहीं है। तो भाई देखिए, मेरा बेसिकली ऐसा मानना है कि अगर आप कोई भी काम, दुनिया में कोई भी काम, टपरी चलाने से लेकर प्लेन उड़ाने तक, बिल्डिंग में लांबी भरने से लेकर बड़े बड़े ऑफिस में एज अ मैनेजर जॉब करने तक, अगर आप कोई भी काम दिल से, शिद्दत से करते हो, मेहनत से करते हो और आप में वो लगन है, वो डेडिकेशन है कि मुझे ग्रोथ करना है, लाइफ में सक्सेसफुल होना है, अपने काम में एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के लिए रेडी हो, तो आपको सक्सेसफुल पर्सन होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो कोई भी काम छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, बस हमें जो भी काम सिलेक्ट करना है सोच समझ के करना है, क्या ये मेरे फील्ड के लिए है नहीं है, अगर मैं इसमें आगे जाऊंगा तो क्या करूंगा। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अपने लिस्ट पर रखी है वो है अपना CV, अपना बायोडाटा, या आप चाहे इसे कोई भी नाम दे दो, लेकिन ये बेसिकली होता है पेपर जिसपे अपने बारे में बहुत सारी चीजें लिखी होती है। इसे कोशिश करें कि सिंपल रखें, जो चीजें जरूरी है वही चीज इसमें लिखें, ज्यादा इसे बड़ा बनाने के चक्कर में कुछ भी ना लिखें, क्योंकि पूरा के पूरा इंटरव्यू आपके CV, आपके बायोडाटा पे डिपेंड होता है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आपके CV के रिलेटेड पूछे जाते हैं, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी हॉबीज, तो कुछ ऐसा ना लिखे जिसमें आप बिलीव ना करते हो, जो आपसे रिलेट ना हो, वही चीज लिखे, वही आपकी स्ट्रेंथ लिखे, वही आपकी हॉबीज लिखे जो एक्चुअल में है। पार्ट 1 तो हम लोगों ने कवर कर लिया, अब बारी है पार्ट 2 के क्वेश्चन की, और पार्ट 2 का जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉल सेंटर्स, बीपीओ सिर्फ इन जगहों पर नहीं पूछा जाता, आप कहीं पर भी इंटरव्यू जाओगे आपको ये क्वेश्चन सामने आएगा, और ये क्वेश्चन इंटरव्यू के एकदम स्टार्ट में पूछा जाता है। इसे पूछने के तरीके बहुत अलग अलग होता है, डिस्क्राइब योर सेल्फ, डिस्क्राइब योर CV, कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ, लेकिन इसका जो जवाब होता है वो एकदम सरल होता है। माय नेम इज संग्राम सिंह, आई एम 32, I have an experience of this many years with this organization. I have completed my education from this college in this year. I love vlogging. I love music. ये जो जवाब है ये एकदम शांति से, सरल से देना होता है, ये कोई रट्टा रटाया जवाब नहीं होता है, ये आपको दिमाग और दिल में होना चाहिए, जुबान पर होना चाहिए। अगर आप गूगल भी करोगे तो आपको एक पूरा पैटर्न मिल जाएगा कि आपको किस पैटर्न में बताना है। ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपने बारे में कितनी अच्छी तरह बता पाते हैं, आप अपने आप को कितने अच्छी तरह प्रेजेंट कर पाते हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इंटरव्यू में कभी कभी इतने डरे हुए होते हैं कि हम इंटरव्यू देते समय हमें कुछ पता नहीं होता कि हम क्या बड़बड़ रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, और इंटरव्यू होने के बाद हमें याद नहीं होता कि हमने एक्चुअल में क्या बात की। इसलिए शांत दिमाग से, ठंडे से, एकदम चिल होके इंटरव्यू दो। और ये जो शर्ट वगैरह, ये जो जगह वगैरह एकदम चेंज है, ये वीडियो था वो डिलीट हो गया, तो ये अभी दूसरा दिन है, मैं दोबारा आके शूट कर रहा हूँ और अभी पार्ट 3 पे जंप करते हो, ओके, दोबारा उसी संग्राम से मिलते हैं। ऑलराइट, तो तीसरा पॉइंट जो मैंने कवर किया है, जो मोस्टली 80-90% कंपनीज में पूछते हैं, व्हाई यू वांट टू जॉइन आर कंपनी, व्हाट डू यू नो अबाउट आर कंपनी। देखिए, अगर आपका कोई दोस्त काम करता है या अगर आप किसी कंसल्टेंसी के थ्रू जा रहे हो, तो उन लोगों से इन्फॉर्मेशन निकालना जरूरी है कि भाई कंपनी किस रिलेटेड है, वहां पर किस तरह का काम होता है, आउटबाउंड है, इनबाउंड है, क्या है एक्चुअली ये कंपनी में, होता क्या है और ये कब से है, करीबन कितने लोग काम करते हैं, एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन। और अगर वहाँ पर आपका कोई दोस्त काम नहीं करता है, आप किसी कंसल्टेंसी के थ्रू नहीं जा रहे हो, आप वॉकिंग जा रहे हो, तो जस्ट गूगल इट, गूगल पे हर आंसर है, एक बेसिक आइडिया होना चाहिए आप लोगों को, तो जो इंटरव्यू लेने वाला होता है उसको पता चलता है कि यस यू आर इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, आपको इस जॉब की जरूरत है, आप कुछ रिसर्च करके आए हो, आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर आए हो, एक्स्ट्रा एफर्ट दिखना जरूरी होता है। और अगर नहीं पता है तो जस्ट टेल इट ऑनेस्टली,
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. नहीं पता है बता दो. आई डोंट हैव एनी आइडिया. आई वांट टू जॉइन दिस ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज आई हैव हर्ड लॉट ऑफ अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन. मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छी अच्छी चीजें पता चली है कि यहाँ पर एनवायरमेंट अच्छा है, यहाँ पर काम करना अच्छा लगता है लोगों को और यहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है. बेसिक आइडिया. ओके, दैट विल लीव अ वेरी 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 गुड इंप्रेशन. जो चौथा पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी हो जाता है कुछ लोगों के लिए. मेरे साथ भी हुआ है, मैं भी इस चीज़ में फंस चुका हूँ. और वो है टॉपिक. जब हमें कुछ टॉपिक मिलता है बात करने के लिए, ये ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, फंस के रिजेक्ट हो जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि अब इसमें बोले क्या, या कुछ देर बाद बोलकर रुक जाते हैं, कम्प्लीटली ब्लैंक हो जाते हैं. कुछ कुछ लोग बहुत ज़्यादा नसीब वाले होते हैं, उन्हें अपनी मर्जी का टॉपिक मिल जाता है जहाँ पर सामने वाला बंदा बंदी बोल देते हैं कि यू कैन चूज़ योर ओन टॉपिक एंड यू कैन स्पीक ऑन दैट फॉर अ मिनट और टू. एंड कुछ कुछ लोग होते हैं जिन्हें ज़बरदस्ती को टॉपिक दिया जाता है. डिस्क्राइब दिस रूम, टेल मी समथिंग अबाउट योर वैकेशन. जब भी कुछ ऐसी चीज़ आपके सामने आए इंटरव्यू में तो उन्हें 15-20 सेकेंड या एक मिनट मांग लें. उन्हें कहे कि कैन आई हैव अ 15-20 सेकेंड्स, कैन आई हैव अ मिनट टू थिंक. वो लोग आपको देंगे अगर आप सामने से बोलोगे. और अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ प्रिपेयर, अगर आपको आपकी मर्जी का टॉपिक मिला तो फाड़ दो. लेकिन अगर आपको आपकी मर्जी का टॉपिक नहीं मिला और अगर आप प्रिपेयर नहीं हो तो जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, सोचो कि क्या बात करनी है और बोलना शुरू करो. एकदम शांति से, एकदम धीमे से, एक एक शब्द उन्हें समझ में आना चाहिए. और जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपके शब्द खत्म हो गए, खत्म होने आ रहे, अभी आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहा, कह दीजिए लास्ट में दैट्स इट. दैट्स इट कह के फुल स्टॉप लगा दीजिए. इंस्टेड ऑफ सिटिंग ब्लैंक, बहुत सारी चीज़ें बोलने के बाद ब्लैंक बैठने से अच्छा एकदम जैसे कुछ पता नहीं, आप ब्लैंक हो गए हो, कह दीजिए उन्हें दैट्स इट. लेकिन बोलना ज़रूरी है, बोलना ज़रूरी है, कुछ ना कुछ तो बोलना ज़रूरी है. ओके, अब आते हैं सबसे ज़रूरी और सबसे अहम पॉइंट पे जिसके वजह से पूरा रायता फैलाया जा रहा है, दैट इज़ सैलरी. अगर आप कहीं पर भी इंटरव्यू जाओगे, जॉब जाओगे, आपको एंड ऑफ द पॉइंट पूछा जाएगा व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट सैलरी डू यू वांट. अगर आप फ्रेशर हो, अगर आपने किसी फ्रेंड्स, अपने कलीग्स से जो ऑलरेडी वहाँ पर काम कर रहे हैं पूछ लिया, अगर आपको उस कंपनी का लेवल पता है तो उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन रखिए. 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन रखना ज़रूरी है. अगर आप कहोगे एज पर योर कंपनी पॉलिसी, एज पर योर विल, वॉट एवर यू लाइक, तो कुछ भी सैलरी आपको दे दी जाएगी. तो एक एक्सपेक्टेशन बताना ज़रूरी है. अब आते हैं एकदम आखिरी पॉइंट पे और एक बहुत ज़रूरी पॉइंट जो मैं आप लोगों को अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से. एक आखिरी चीज़ जो सामने वाले को बताएगा कि आप लोगों को भी जॉब की उतनी ज़रूरत है जितनी उन लोगों को है और आप एकदम सीरियसली ये जॉब करने के लिए रेडी हो और आप इसलिए यहाँ पर आए हो. जब कभी वो आप लोगों से पूछे डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, रेडी रहिए क्वेश्चंस पूछने के लिए. एकदम बेसिक क्वेश्चन, व्हाट विल बी द सैलरी साइकिल, और मेरी शिफ्ट किस टाइमिंग की होगी, क्या ये रोटेशनल शिफ्ट होगी. तो वो सामने वाले को बताएगा कि हाँ, एक्चुअल में आप जॉब करना चाहते हो, आप सिर्फ इंटरव्यू देके टाइम पास करने नहीं आए हो, आप सीरियस हो इस जॉब के लिए, इसलिए आप यहाँ पर आए हो और आप भी अपनी तरफ से कुछ एफर्ट डाल रहे हो, कुछ इनपुट डाल रहे हो और कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हो. एकदम टेंशन फ्री जाना है, इंटरव्यू देना है, हो गया वेल एंड गुड. नहीं हुआ तो एक चीज़ दिल दिमाग में बांध लेना कि ऊपर वाले ने आपके लिए इससे ज़्यादा अच्छा जॉब तैयार रखा है. लेकिन एफर्ट कम नहीं होना चाहिए, बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा तभी जाके मिलेगा. जैसे मैंने कहा, हम यहाँ साईं बाबा के मंदिर आए हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद है ये एक अलग बात है, लेकिन अपना एफर्ट भी उतना ही ज़रूरी है. बैठे बैठे कोई चीज़ नहीं मिलेगी. तो मैंने जितना हो सकता था उतने अच्छी तरह ये वीडियो करने की कोशिश की. आपको ये वीडियो, ये व्लॉग पसंद आया तो डू लाइक, शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड जिन्हें भी जॉब की ज़रूरत है और जो थोड़ा बहुत डरते हैं इंटरव्यू से कि यार हम कैसे जाएं इंटरव्यू में, क्या करें, क्या नहीं बोले, क्या क्वेश्चंस होंगे. और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, ऑल सेलेक्ट करना, बेल आइकन पे क्लिक करके. बाय बाय, टेक केयर. एक बात हमेशा याद रखने का, टेंशन नहीं लेने का, फुल ऑन लाइफ जीने का. एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू. मैं जानता हूँ आप लोग आपके लाइफ में अच्छा ही करोगे, बस हार नहीं माननी. ओके, बाय बाय. एक सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आप लोगों का कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में जाइए दीजिए, और अगर कोई भी सवाल है तो बिंदास पूछिएगा कमेंट बॉक्स में. मुझे आता होगा मैं ज़रूर बताऊंगा, मुझे नहीं आता होगा जवाब मैं डायरेक्टली अपफ्रंटली बता दूंगा मुझे जवाब नहीं आता. क्योंकि मेरा ऐसा मानना है आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देने से अच्छा मैं बता दूं कि मुझे नहीं पता, एटलीस्ट आप लोगों को सही आंसर कहीं और से तो मिल तो जाएगा. तो कुछ भी सवाल, कुछ भी हो, कमेंट बॉक्स में बताइए. अगर कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिए तो कमेंट बॉक्स में जाइए और ज़रूर अपना ज्ञान बांटिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है दोस्तों.